तो राम राम भाई, स्वागत कर रहे एक और नई वीडियो में। भाई भाई पूछ लग रहा भाई, कितना फंड दिखाना पड़ा है साइप्रस स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, और कॉलेज कौन सा पढ़िया रहा होगा, ठीक है डॉक्यूमेंट्स कितने चाहिए हैं, सारी बता दूंगा आज की वीडियो में भाई, ठीक है। थोड़ा सा गौर करिए, जौन जौन से भाई डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। जब भी तुमने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो भाई, सबसे पहला तुमने पासपोर्ट तो नॉर्मल आई है वो तो चल ठीक है, उसके बाद आ जा भाई। अगर तुम ग्रेजुएशन में कर रहे हो कॉलेज में, स्कूलिंग के लिए तो चाहिए सिर्फ 10th, 21 साल से नीचे एज होनी चाहिए स्टडी वीज़ा पे, जो स्कूलिंग होता है, जो स्कूलिंग में आना है जैसे प्लस वन में उसका एडमिशन होगा तो, और प्लस टू के बाद जो ग्रेजुएशन वगैरह है या फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना है कॉलेज में, फिर भाई तुमने 10वीं नोट कर लो, 10वीं 12वीं PCC थारी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, एक मेडिकल, ठीक है एक मेडिकल होगा, एक स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट पूछा था कितने की, स्टेटमेंट होया करा 6.5 लाख की, छाया था लेगा 6.5 तक चल जाए कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जा, मतलब सब तक जो मेन डॉक्यूमेंट हो ना ये हो, आप 10वीं 12वीं PCC स्टेटमेंट मेडिकल 5, ठीक है। फिर PDF जो पासपोर्ट की लगाया करा ओरिजिनल दे दिया करते, साइप्रस में प्रिंटेड वीजा नहीं आता, पेपर वीजा आया करा साइप्रस का हमेशा, ठीक है। और एक जो थमने PT कर रखी, IELTS कर रखी या TOEFL कर रखा वो थमने चाहिए है, वो इम्पोर्टेंट है फॉर इस चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो अपना देख दियो भाई जिस तरह भी होगा, और भी कोई जिसने कुछ भी पूछना हो भाई वो मेरे तक पूछ सका है। बाकी लग मैं जितने कमेंट हो भाई मैं सारा के जवाब दे दे रहा हूँ, सारे कमेंट्स जितने भी हैं अगर मैं देख लूँ तो भाई जवाब दिया करो। या इन्फॉर्मेशन मैंने न्यू दे दी के भाई चल के पर्सनल उसका जवाब दूँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये भी पता होनी चाहिए बंदे ने, तो इसी करके मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। मैं सारे जितने वीडियो देखा है मेरे भाई, कोई भी वीडियो देख रहा तो भाई मेरा चल देगा, कॉलेज का पूछ रहा था वो कॉलेज कौन सा बढ़िया, भाई देख अगर मैंने पोल खोल दी ना कॉलेज की कौन सा कॉलेज बेकार है, अगर मैं उसकी पोल खोल गया तो भाई एजेंट मेरे पे इशू करेंगे, एजेंट खास हो जाएगी मोटी दिक्कत हो जाएगी उन्ना, फिर मेरे बार बार कमेंट करें या फ़ोन करेंगे या कहेंगे मेरे तक भाई तो मारे जी उस कॉलेज में टाया पाया तो तू क्यों गलत कब आया, सच्चाई क्यों बतावा, तो मैं वह बात मैं शेयर नहीं कर सकता वीडियो में, पर हाँ जो पर्सनली बंदा अगर मेरे तक पूछेगा तो भाई मैं ज़रूर बताऊंगा भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन सी बढ़िया है, कौन सी ठीक रहोगी थारे खातर, तो वो मैं ज़रूर पूछ लूँगा सारी, सही है नहीं। तो कहने का न्यू है भाई अपना कॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, बढ़िया कॉलेज होना चाहिए यहाँ आने खातर, कल है साल 2 साल 3 साल जितना भी रहो थम हड़ा है, कम से कम थारा फोकस थारे काम काम पर चले जाओ है ना कि कॉलेज का नहीं, कॉलेज का नहीं था तो कम से कम टेंशन फ्री हो जाओगे, तो अपना एक ही है बताने का मोटिव न्यू है भाई कॉलेज बढ़िया चूज़ करो साइप्रस मान खातर, जरा क्लास क्लूस वाला मैटर ना हो, मतलब फंडबाजी ना हो, बिना बात की बड़ा करना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज की इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो भाई साहब, अपना यो चैनल है भाई गणेश जिंदा साइप्रस आ रहे जब तक, तो सपोर्ट दिखाओ थोड़ा, वैसे तो रूटीन में ही डालना लग गया अब मैं ब्लॉग, बीच में बंद कर दिया था, इंडिया चले गया था मैं, अब आंदे रहेंगे तब आता भाई, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सारे भाई ना राम राम।